जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश दिवस, मतलब उत्तर प्रदेश के नागरिक उस राज्य के स्थापना दिवस को या किसी खास दिन को अपने राज्य के लिए उत्साह से एक साथ मिलकर मनाएंगे। भारत में कई राज्य अपने राज्य के एक खास दिन को अपनी तरह से मनाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, बिहार स्थापना दिवस आदि। ये वह दिन होता है जिस दिन राज्य के नागरिक वहाँ की संस्कृति और परंपरा से फिर परिचित होते हैं और उन्हें वहाँ की आगामी योजनाओं को जानने का अवसर मिलता है। इस दिन का आयोजन वहाँ की सरकार द्वारा किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपावली में, जहां आज मैं आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी दिवस का महत्व व इतिहास क्या है और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में विस्तार में बताऊंगी। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस साल 2018 से योगी सरकार ने जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में ये योजना सूचना विभाग, संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग मिलकर करेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाएगा? जैसे कि हम सभी को ज्ञात है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई अहम फैसले जैसे अयोध्या में दीपावली मनाना, राम जी की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित करना आदि लिए हैं। इसी सूची में एक फैसला और शामिल है जिसे आगे आने वाले सालों में याद तो रखा जाएगा और मनाया भी जाएगा। वह है उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने का फैसला। साल 2018 से हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब मैं आपको 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है इसका कारण बताने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी को यादगार बनाने के लिए इस दिन को एक खास दिन कहकर मनाने का फैसला लिया गया है। इसकी एक और वजह शायद ही कुछ लोगों को पता होगी कि 24 जनवरी 1950 से पहले तक उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। यही वह दिन था जब उत्तर प्रदेश को उसका अपना नाम मिला था, इसलिए इस दिन को यादगार के रूप में मनाने का फैसला योगी सरकार द्वारा लिया गया। अब 2018 साल से ही 24 जनवरी को योगी सरकार इसे सर्वप्रथम धूमधाम से मनाएगी। उत्तर प्रदेश दिवस का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। जैसे हर एक दिन के पीछे एक कहानी जुड़ी होती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश दिवस के पीछे भी एक खास इतिहास है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश से कई वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता आ रहा है। साल 1979 में 24 जनवरी को सर्वप्रथम महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया था। इस आयोजन के पीछे अमरजीत मिश्र के भरसक प्रयास शामिल थे। उन्होंने इस दिन को उत्तर प्रदेश में मनाने के लिए भी प्रयत्न किए, परंतु उनके ये प्रयत्न सफल नहीं हुए। जब केंद्रीय मंत्री राम नाइक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने तो अमरजीत मिश्र ने अपना प्रस्ताव उनके समक्ष रखा और वे भी उनसे सहमत हो गए। उन्होंने ये बात उस वक्त के तत्कालिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समक्ष रखी, परंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने ये बात फिर उठाई और इस बार उन्हें सफलता मिल गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। उत्तर प्रदेश दिवस कैसे मनाया जाएगा? इस साल पहली बार उत्तर प्रदेश में ये दिन मनाया जाएगा, इसलिए ये आयोजन बहुत ही खास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल, जिनका इस कार्यक्रम को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, वो भी शामिल होंगे। इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनाई गई है और मंत्रियों और अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है।
ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाया जाएगा। इसी के साथ इसे उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के द्वारा यहाँ के लोगों को यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर से पहचान कराने का प्रयत्न किया जाएगा, साथ ही नए युवा वर्ग को विकास में शामिल करने का प्रयास भी किया जाएगा। मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस का राज ठाकरे द्वारा विरोध। राज ठाकरे ने मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस मनाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने साल 2009 में कहा था कि वह मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाने देंगे, परंतु कांग्रेस पार्टी के नेता मुन्ना त्रिपाठी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि हम ये आयोजन यहाँ आयोजित करेंगे और इससे मुंबई वासियों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। उन्होंने इस आयोजन में राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया था। ये कार्यक्रम अंधेरी में बीएमसी मैदान पर आयोजित किया गया था, जिसमें करीबन 15,000 लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे थे। इनके अतिरिक्त अभिनेता और राजनेता ठाकरे, कांग्रेस प्रमुख कृपा शंकर सिंह और अभिनेता रविशंकर ने भी इस आयोजन में शिरकत की थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।